आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और उनके बताए मार्ग पर हम सब लोग चलें और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश और देश निरंतर प्रगति करेगा। और एक बार और आप सबको बधाई शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव के बारे में मैं पूछना चाहता था कि कांग्रेस बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही वचन पत्र के, कि वचन पत्र पूरा नहीं किया बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे? वचन पत्र तो उन्होंने दिया था, हमने संकल्प पत्र दिया और हमारा संकल्प 5 वर्ष का है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा वो हमेशा हमने अक्सर सब पालन किया पूरा। और मध्य प्रदेश में तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के लोग पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि अभी जो जनता ने निर्णय दिया वहाँ कांग्रेस कहाँ खड़ी है, पहले वो खुद देख ले, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले वो देख ले कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में और अटूट विश्वास है जनता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास और अपार उत्साह है जनता में। और अभी इस समय लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान के सिंहासन पर और प्रधानमंत्री के पद पर फिर नरेंद्र मोदी जी को बिठाने की तैयारी इस हिंदुस्तान की जनता कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री केवल देश के प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन वो पूरे विश्व के नेता है, एक ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर नेता के रूप में हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। ये विचलित हो रही है कांग्रेस के नेता जो हार हुई है उनकी अभी विधानसभा के चुनाव में और जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इस बात से वो विचलित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब निरर्थक है। बहुत जल्दी ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, वो करेंगे, जल्दी तय करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो आ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो निर्णय होगा सामने आएगा। थैंक यू। प्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, हिंदुस्तान में जितनी भी राज्य सरकारें सब कर्जा लेती है। कर्जा लेकर के समय पर चुकाना, समय पर ब्याज चुकाना और कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करना एक विषय, ये अलग होता है। हमने कर्जा लेकर के सड़कें बनाई पूरे मध्य प्रदेश में, तालाब बनाए, स्टाफ डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं बनाई, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए और अनेक विकास के काम हुए, पर कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया। उनने एक भी सड़क नहीं बनाई, एक भी तालाब स्टाफ डैम नहीं बनाए, उनने जो कहा वो सब केवल पेपर पर कहा, समाचार पत्रों में कहा और कोई काम नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कर्जा लिया जाता है तो कोई नियम प्रक्रिया है उसकी, FRBM का कोई नियम बना हुआ है, भारत सरकार की परमिशन लगती है समय पर और एक लिमिट होती है, तो कर्जा लेना कोई बुरा ही नहीं है, कर्जा है चुकाएंगे। थैंक यू।